बीडीएम इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत है नाटक जन भागीदारी। जन जन की होगी भागीदारी, तभी दूर होगी सबकी समस्या सारी। बड़े मेहनत से खेती कर रहे हो? अरे भैया, अच्छे से खेती करूंगा तभी तो अच्छा फल मिलेगा ना। वो तो ठीक बोला आपने, वैसे बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। सरलागढ़ में रोटी बना रही होगी और राहुल वो बर्तन धोने में मदद कर रहा होगा। बच्चों को स्कूल में भर्ती करवा, तब रोज स्कूल जाएंगे, फिर नतीजा अच्छा होगा। अब तो उसने सही कही। शिक्षित होगा भारत तभी तो हर्षित होगा भारत। 10 साल बाद वो बच्चे सफल होकर गांव लौटे। इतने सफल हो गए, वाह, हमें गर्व होता है इनपे। अरे आप लोगों का मास्क कहाँ पे है? आप लोगों को पता है ना कितनी जानलेवा महामारी चल रही है। अरे बाबू क्या बोल रहे हैं आप, ये कोरोना वगैरह सब होंगे, हमें कुछ नहीं हो सकता, बहुत ताकतवर है ये, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमें कुछ नहीं होगा कोरोना से। ये सब अफवाहें हैं, शहर में कोरोना से हर रोज कितने कितने लोग मारे जा रहे हैं। इसीलिए हमें हमेशा मास्क पहनना चाहिए और समय के साथ कोविड का टीका भी लगाना चाहिए। हम कैसे मान लें आपकी बात? ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले आप लोग पढ़ाई लिखाई या खेल कूद पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज देखिए पढ़ाई लिखाई करके खेल कूद कर हम आज किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है, आप सबने हमारे पढ़ाई लिखाई और खेलकूद का महत्व समझा, तभी तो जाके आज हम सफल हुए हैं। और बस ठीक इसी तरह आपको ये भी समझना होगा कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही फैला दिया है, और इस तबाही से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप सभी को कोविड की सारी गतिविधियां मान के चलनी होगी। भाइयों और बहनों ये सही कह रहे हैं, हमारी सुरक्षा तो हमारे ही हाथों में है। ना बाबा ना, टीका तो हम बिल्कुल ना लेंगे, उसका दुष्प्रभाव मानव शरीर पर बहुत ही बुरा असर करता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग है, उल्टा टीका लगाने से वो हमारे शरीर को और भी ज्यादा स्वस्थ कर देता है। मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ कि आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं होगा, पूरे गांव को टीका लगाने की जिम्मेदारी मेरी है। आज फिर से दुश्मनों ने भारत पर हमला कर दिया, पर भारत भी चुप नहीं बैठा, भारत ने भी करारा जवाब दिया है। हाँ आज की सबसे बड़ी खबर, आज प्रातः 3 बजे हमारे दुश्मन ने भारत पर हमला किया, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया, स्थल एवं वायु सेना ने जमकर मुकाबला किया। हमारे देश की बेटी अंजलि और अमर सिंह ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, आइए कुछ पल अंजलि और अमर सिंह के साथ। अंजलि आप कैसे दुश्मन की सीमा तक पहुंच गई? मैं एक दुश्मन के विमान का पीछा करते करते उनके सीमा में घुस गई थी, हालांकि उन्होंने मुझे हर तरफ से घेर लिया था, पर मैंने अपनी बुद्धिमानी की मदद से उन दोनों विमानों को मार गिराया। अमर आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपने किस प्रकार दुश्मनों से लोहा लिया? मैंने देखा कि एक इमारत पर एक विद्रोही हमारे झंडे को उतारकर अपना झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था, मैं दबे पांव पाइप की मदद से वहां पहुंचा और पहुंचते ही उसके गले को अपनी बाहों में दबोचकर उसे मार दिया। आप दोनों दुनिया को कोई संदेश देना चाहेंगे? अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। हमें मारना भी आता है और बचाना भी। हमने दुश्मनों से लड़ने के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीने बनाई, पर जब जीवन की सांसें टूटने लगी तो हमने वैक्सीन भी बनाई। देश बढ़ेगा तभी हमारा, जब साथ होगा सबका हमारा, सबके साथ से होगा सबका विकास, दुनिया में लहराएगा तिरंगा हमारा।